अरे वैसे आज से ये हम लगाना है ले? हाँ, अरे गजब 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 बहुत बढ़िया। हाँ गजब 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 ना ना ये तो पता था हम थे और ये आगे बल्द ये यानी मेरा पौधे जो नमस्कार 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 पूरे द्वारका का वो उस मलाई मल बहुत बढ़िया देखो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही ब्लॉग में। और आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक विशाल यहाँ पे खेत और इसमें लगने वाला है हल। और ये देखो हल की यहाँ पे तैयारी, बैल भी आ चुके हैं और ये देखिए आप हल को जो है फिट किया जा रहा है ना। तो आप बने रहे इस ब्लॉग के अंत तक और देखेंगे कि यहाँ पर कैसे खेती का काम चल रहा है और बात करेंगे यहाँ पे जो ये हल लगाने वाले हैं यानी कि पूरण भाई। ये देखिए आप ये और ये हम लोगों ने जो हैल फर्स्ट क्लास ये देखो क्या हाल चाल है। नमस्कार नमस्कार। और कह गाँव छो आप बहुत बढ़िया। चलो दिखाना चाहिए हम पूरा खेती हाल चाल पुराने परंपरा थी फर्स्ट क्लास चलो चलो हम चल चलो एक गुंगले है। अरे गजब गजब जी। और यह हम देखो तुम फर्स्ट क्लास या जबरदस्त भाई बल दो जोड़े अरे वाह ये देखो तुम बल दो जोड़े फर्स्ट क्लास। तो भाई साहब नमस्कार है। नमस्कार गुरुजी। और क्या हाल जी? बहुत गुड़ी बढ़िया। अरे तो आज मले हम तुम खेती है हेलो गजब 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 जो बुतने। अरे गजब बहुत बड़े भाई ये देखो जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई साहब नाम क्या आप बिन्नू है? हाँ भाई। अरे गजब गजब बहुत बड़े बड़े। तो कद साल होगी लगभग ये हेलो वाला ये तो देखोगी भाई कम से कम मतलब 10-12 साल होगी। 10-12 साल है? हाँ 10-12 साल। ये तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए भाई। अब काम ही है परमानेंट इंच ये नगर जी को बहुत तो है ये बराबर नौकर क्या देखो इन जगह हमारे जो पूर्व छाए ये जो पुराना लोग था हमारा वो ये फरी निर्भर था कृषि पर ही। और हमारे देश जो भारत वो भी कृषि प्रधान देश है ना। और आप लोग जो जो लोग देखो नौकरी के बाद चिचक कोई देहरादून चल गए कोई कोटद्वार चले गए कोई दिल्ली चल गए और अपरित घाट सुंदर पहाड़ छोड़े की कन बनो छो मतलब सही बात भाई बहुत बड़े बोल है ना। तो मेरे हिसाब से यो काम तो बहुत बड़े थे। हाँ ये मैं तो ये देखो आपको खेत और सबसे बड़ी बात चाहिए आप पलायन नहीं कहा मतलब जब मैं देखो छो गाँव गाँव में जाना सब कोड़ा खाली होगी है ना बिल्कुल कोड़ा खाली होगी। अरे बिको गई तो तब किसी लोग जानवर आना चाहिए बाघ बांदर सब चबट तो जब लोग रहा लेखे तो मेरे हिसाब से कुछ न कुछ वालो और आप लोग लोगों की और भी सीख लेनी चाहिए आप जो सब बांध पूड़ेगी वो भी दोहरा आबाद वाला बढ़ गया आबाद मतलब कोरोना काल बाद में जाके काफी लोग मतलब वापस आए मतलब कर दो आप बस भाई तेरी बैंडून बजो ना बैंडून है मतलब जो ब्याह शादी में सुबह सर पर बहुत बड़े बड़े अच्छा। तो ये विषय भाई साहब नमस्कार पर और क्या हाल से बड़े तो आप भी मतलब दपड़े छो अच्छा 6 साल में है साल तो आप मतलब पूरा बैंड सेट पूरी अच्छा दिल्ली तक भी जानू दिल्ली तक
तो देखो ये यो आज मेरा बहुत फेमस अच्छा आज बड़े फेमस की बैंड में फेमस है सर द्वारका पूरा जगत तो आप नजर आना बिनु बिनु हो रहे हैं अदब बिनु बिनु भाई जब ये तो बिनु भाई तुम्हारा बहुत बड़े ख्याल है कि आप जो छो मतलब जो छ लगया छो मेहनत भी करना छो अपन घर भी देखना छो और कखे न कहे जो पलायन छ जो लोग कना छे उन भी एक संदेश देना छो कि भाई पलायन नहीं करो अपने घर में रहो है ना सही बात है चलो तभी आप दगड़ फिर बातचीत वाली है ना नमस्कार ठीक है भाई समय तद कद टाइम लगो चल पैसा भी पुगण माण मतलब एक घंटा लगना है हाँ काफी देखो दगड़ो देखो काफी बड़ो पुगण चुके हम और ये आज जो है महल लगन चु और ये बुतनी बोले जाओ है बहुत बड़े अच्छा चलो अभी हम भी ट्राई कर ये देखो पुराना भाईल जो ये देखो पूरा आधा पूर्ण जो भाईल वो बेल तुम्हारे सही रहता वो रहता तब तक तुम लग जाओ यो वो जल्द तुम्हारे ले आल देखो ये हमें छोटो बचत से क्या हमें लड़के वो बोले जोला नहीं लगाना बोला भी है कि अंदर होना छ मतलब थे जोला को छ इंतजार उन एक बात जब हम छोटा था ना तो छोटा हम भी हम तो जब जोला हो जाता हम एक बार एक गाड़ी समझ जाता चलो तो वे बैठ जाता तो अभी वो बालिका भी सोचनी छ देखो हम तो दगड़ो वो बोले जो लगाओ पहले हेल बाद हम लग जा लो कि जो लग माथी लोन को अभी बैठन चाहिए एक माथी और कखी न कखी बच्चों की आनंद एक साधन भी बनता मतलब ना भले बल्दू जी भी हम एक जने आप देखना चाहो कि है लगन एक हम पूरा अरे हम एक छोटी लड़की मिल गए मैं के नाम से बड़े चारो दीपिका दीपिका लेके ना हाँ अब ये है लगन जन तो छोटा बच्चा जन इतना खाना चाहिए तो ये क्या कहते हैं जोल जो जो लगे ना क्या करना जो लगा बैठन चाहो वे बैठन अच्छा गाड़ी जन अरे वाह भाई तो ये देखो छोटे बालिका जो है दगड़े हमारे जो होता ताज़ा कह ले याद है जो हम भी जब भी बराबर था छोटा में तो हम भी बोलता था कि कबर जो लगा इंतजार देखो हर बच्चा तरह भले भाई मैं क्यों बोलूँ कि थोड़ा बल तो था खैर आ जाए लेकिन भले जो लगा इंतजार है और जोल तो परवा लगल तो फिर परवा था हम तुम अरे बहुत बड़े शाबाश चलो करो इंजॉय तुम भी ठीक है ओके चलो फिर ठीक छे अब अंधेर बोलो तो परवाद मिलला और जो लगा इंतजार हम थे भी रहा लो हम फिर दोबारा वाला परवा देगा अच्छा ओके बाय।